बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद नकवी आपके सामने हाजिर है। आपको याद होगा, मैंने रेन एंड मार्टिन एक बुक है, रेन एंड मार्टिन जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, तो उसके पढ़ने का एक सलीका, एक पैटर्न मैंने बताया था किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। उस पर मुझे बड़ी पजीराई मिली और बहुत से इंग्लिश टीचर्स ने, लेक्चरर्स ने, प्रोफेसर्स ने भी कमेंट्स किए कि जो सीक्वेंस आपने बनाया है इस बुक को पढ़ने का, उस सीक्वेंस से पढ़ने पर अब हमें बुक समझ में आना शुरू हुई। तो बेसिकली उस बुक की प्रॉब्लम यही है, रेनन मार्टिन की प्रॉब्लम यही है कि जिस तरह से वो लिखी गई है, पढ़ना उस तरह से नहीं है। किताब को पढ़ने का सलीका अलग होता है और किताब लिखने का सलीका और होता है। भाई बहुत सी किताबें अगर सीक्वेंस में पढ़ी जाएं, जिस सीक्वेंस में लिखी गई हैं, तो समझ में ही नहीं आती। यही प्रॉब्लम ब्रेनन मार्टिन के साथ है। तो उस वीडियो के बाद जब मैंने वो अपलोड की यूट्यूब पर और लोगों ने वो देखी, तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और लोगों ने फरमाइश करना शुरू कर दी कि सर ब्रेनन मार्टिन पढ़ाइए, ब्रेनन मार्टिन की क्लास लीजिए। तो बिल आखिर अब मैंने ये फैसला किया कि मैं एक क्लास अरेंज कर रहा हूँ जिसमें रेनन मार्टिन ही पढ़ाऊंगा। उसमें रेनन मार्टिन में जितनी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है वो सारी की सारी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों के सामने आएगी। तो इसमें एडमिशन्स ओपन है, जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और रेनन मार्टिन को पढ़ सकते, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ, 03163167862, 03163167862। एडमिशन ओपन है, जूम पर ये क्लास होगी, याद रहे जूम पर ये लाइव क्लास होगी और हर लाइव क्लास रिकॉर्ड भी होगी और रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पर अपलोड होगी। और आप जितनी मर्तबा चाहें वो क्लास देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं रेनन मार्टिन की क्लास देने जा रहा हूँ और ये क्लास जो होगी ये पेड है, इसमें एडमिशन्स अभी ओपन है और कुछ एडमिशन्स आ चुके हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने फरमाइश की थी वो अब एडमिशन ले लें ताकि क्लास जल्द अज जल्द शुरू कर दें, ठीक है भाई। बस यही आपको इतना देनी थी, आपकी फरमाइश पर। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।